Hey guys, welcome to the new vlog. Hope आप सब अच्छे होंगे. Guys, long time, very long time, बहुत ज़्यादा. I think 1.5 महीने बाद मैं vlog बना रही हूँ. और वो vlog मैं इसलिए नहीं बना रही थी कि कुछ होता नहीं था दिखाने को और मैं खुद ही आलस में आई हुई थी. लेकिन अब मेरा बहुत जोर से मन कर रहा था कि चलो vlog बनाते हैं. तो let's. आज वैसे भी सैटरडे है और आज मैं आपको तारीख बता देती हूँ. टुडे इज 6th of July और आज है सैटरडे. और अब हमारे घर में सुबह के बज रहे हैं. आई थिंक 10 बजने वाले हैं. 10:15, हाँ 10 बजने वाले हैं. तो बस अभी हमारे घर में नाश्ता वाश्ता हो गया, डस्टिंग चल रही है. और गाइस, बड़े दिनों बाद हमारी चीकू से मिलो. चीकू आम खा खा के गुंडी हुई पड़ी है. हमारी कैंडी से मिल लो. कैंडी कल रात को भाग गई थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है. हाँ भाग गई थी. और क्या कहते हैं, अब मैं ये वाला ड्राइंग रूम समेट रही हूँ और डस्टिंग कर रही हूँ. और हाँ गाइस, मेन खबर, सुरेश आंटी 1 महीने के लिए गायब हो गई हैं, क्योंकि उनके घर में कुछ तो पर्सनल मैटर चल रहा है जिसकी वजह से उनको घर पर रहना पड़ रहा है. बाकी मम्मी मम्मी गाइस, मम्मी के सफेद बाल देख लो. गाइस मैंने क्लिप ली है, लेकिन मम्मी का बहुत अजीब सा मुंह आ रहा है. मम्मी बहुत है गर्मी से हैरान परेशान, और मम्मी के बालों पे कलर भी नहीं हो रखा है. अभी आज मम्मी को किट्टी बजाना है, तो मम्मी अभी मैं कलर लेके आऊंगी, तो मम्मी कलर करेगी. तब मम्मी नहा वहा के अच्छे से जब बन जाएंगी तब आपको दिखाऊंगी. बाकी अभी मैं फटाफट इसकी समेटा समाटी कर लेती हूँ, ठीक है. मैं वैसे वो वाला जो कॉर्नर है ना, उसको डस्टिंग कर लूँगी. बाकी ये सब मैंने कर ही दिया है, तो वो करती हूँ. तो इग्नोर करते हैं, यहाँ आके भी सब कुछ हो चुका है. ये देखो, ये हमारे घर गाइस किट्टी हुई थी, इसलिए वो सामान निकला हुआ है. उसका भी व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, ठीक है. ये हमारी लड़की ऊपर जाने को बेताब है, लेकिन ऊपर बहुत पानी भरा हुआ है, और उस चक्कर में हमको देखना पड़ेगा, अभी पानी निकालना पड़ेगा. ये पूरा हो चुका है, सिमट चुका है. गाइस, ये कपड़े धुले हुए हैं, रात को धोए थे, तो अब ऊपर जाने हैं. और ये भी कमरा है. बस यहाँ पे ना मेरे कपड़े ऐसे मैंने धुले हुए हैं, सब कुछ मैं पहनती हूँ या धुल के ऊपर से आते हैं, तो वो यहीं रखे हुए हैं, उसको कुछ ढंग से हुआ ही नहीं है. तो वो ऐसे करके ना अभी उसको वो भी उसको समेटूंगी. बाकी गाइस, हाँ हमने पापा का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो हमने पापा का नया फ़ोन मंगवाया, और वो फ़ोन पापा को 2 दिन हो गया यूज़ करते हुए, परसों आया था. और मन्नू ने एक वीडियो बनाई थी, मैं वो वीडियो डाल दूँगी, तो आप देख लेना कि बहुत सुंदर फ़ोन है, सस्ता टिकाऊ मज़ेदार. अब मैं छत पे जा रही हूँ. हाँ कैंडी रुको, कपड़े लेने दो. हम इसको कुछ आया है, पहले इसको घुमाया हूँ. चलो, मौसम देख लो कैसे बादल आए हुए हैं. ये देखो, ये भैया वालों का घर बन रहा है, और यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट अभी खुला हुआ है. ये उधर ना चली जाए, इसलिए हमने यहाँ पे वो करा हुआ है. और ये देखो कैसे बादल आए हुए हैं. ओ भयो 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 भाई, कितना मस्त बादल आए हुए हैं, और हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी. गाइस सारे कपड़े सुखा के आ गए हैं. अब बस काम करने के लिए ना, हमने बंसल आंटी या ज्योति काम करती है उसको बोला है, तो वो कल आई थी. कल 2 दिन तो मम्मी ने किया है, बर्तन तो अभी भी मम्मी ही मांज रही है. और क्या कहते हैं, झाड़ू पोछा के लिए हम ज्योति आएगी, तो फिर आगे की कार्यक्रम ख़त्म होगा. बाकी हमने सब कुछ समेट वमेट लिया, और बस काम चालू होगा, फिर नहाएंगे. गाइस
गाइस इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और क्या कहते हैं, मैंने मम्मी का कलर भी ना ब्लिंकिट से मंगवाया था और हमारी ईयरबड्स ख़त्म हो रही थी, वो मंगवा ली। और क्या कहते हैं, और ये नया लिप शेड अब मैंने कम लगाया है, ऑरेंज रस्ट कलर का नया लिप शेड मंगवाया मम्मी का, बायोटिक का, क्योंकि मुझे लगा ब्राउन आएगा, वो ऑरेंज आया, तो लेकिन सही है। बाकी बारिश दिखाती हूँ आपको कितनी तकड़ी हो रखी है, मतलब हमारी रोड ऐसे भर के जा रही है। गाइस ये देखो कैसे रोड भरी पड़ी है, देख रहे हो, बहुत बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा, और ये कम से कम 2 घंटे से आ रही है। ये देखो ये मम्मी तैयारी कर रही है, इसी में बना दोगी क्या हैं, इसी में बना दोगी क्या? और गाइस मम्मी ये लाइव देखती रहती है, मैं इसके आगे हाथ इसलिए कर रही हूँ, उधर मेरे को ना वो आ जाता है, क्या कहते हैं, ब्लॉक हो जाती है मेरी। पिछली बार भी मैंने ना कुछ कंटेंट दिखा दिया था कलर्स का, जब एल्विश यादव जीता था तो मेरी पूरी वीडियो ब्लॉक कर दी थी उन लोगों ने। और अभी भी मैंने एक शॉट डाली थी जिसमें मैंने इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती ना T20, तो उसका मैंने कुछ सीन दिखा दिया, वो भी मेरी ब्लॉक्ड हो गई। तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि ब्लॉक ना हो। बाकी सामान आने वाला है, फिर बनाते हैं, तो मैं भी नहाऊंगी। ब्लॉगिंग की आदत ही छूट गई है, शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं नहा वहा ली थी, मैंने आज हेड वॉश भी किया है अपना, और धूप निकल गई थी तो मैंने कपड़े दोबारा से सुखा लिए, और मैं ना सो गई थी जब मम्मी तैयार होके किट्टी में गई, तब मैं सो रही थी, तो मैं तब भी कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। अब मम्मी आ गई हैं, लेकिन मन्नू नीचे था, पता नहीं कहाँ अभी गई हैं, मम्मी ने मन्नू को पर्स पकड़ा के पता नहीं कहाँ गई हैं, अभी आने वाली होंगी। और पूरे छत पे पानी भर गया, तो ये जो मैडम है ना, ये इसकी हालत देख लो, ये खेल रही है पानी से और ये अपने पैर तुड़वाएगी जिस हिसाब से ये स्किट मार रही है। तो मैं सोच रही हूँ पानी निकाल दूँ, वैसे तो बारिश आने वाली, कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल पानी निकाल देती हूँ, टाइम पास होगा। गाइस आपको तो पता सैटरडे चल रहा है और मैं हो रही थी बहुत तकड़ी बोर, तो अभी मन्नू और मैं जा रहे हैं बाहर, मैं घर में बैठ के इतनी बोर हो गई बहुत, क्योंकि मम्मी तो किट्टी में आती है और मन्नू भी बाहर ही रहता है और पापा भी अपने दुकान पे चले जाते हैं, मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मेरे को बहुत बोरियत महसूस हो रही थी, इसलिए अब मैं जा रहे हैं हम कहीं पे हांडने, तो हांडते देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, चलते हैं। बारिश आ जाए मजा आ जाएगा, है ना। हेलो हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो गाइस, बताओ कितने दिनों बाद मिले हम आपसे, और कैसे हाल चाल है, हम आज कितने हाल के हैं, जो तो बोलो, किट्टी पे गए थे गाइस हम बीकानेर वाला। गाइस मम्मी किट्टी में गई थी जो मैंने बता दिया, लेकिन मम्मी को मम्मी मिलो और गाइस से गले मिलो, गाइस से गाइस खिचड़ी खाई है, मतलब मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने आम खाया, बाकी सबने खिचड़ी खाई है, और अब बस अब कुछ खास नहीं है, अब बिस्तर बिछाएंगे सोएंगे, दिखाना। ओ हाँ गाजर, गाइस ये पापा का नया फोन है, देख लो परसों ही आया ताजा। के दौरान नहीं बल्कि पहले ही निर्धारित किए।
गुड नाइट गाइस। गाइस ये व्लॉग मुझे नहीं पता कितना बना होगा, लेकिन जितना भी बना होगा मैं उसको जरूर डालूंगी, जरूर का जरूर डालूंगी, और थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बड़ा करूंगी। आसाम में भी आई हुई है, अब तो हर जगह बारिश के चक्कर में बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो गाइस व्लॉग को एंड करती हूँ। गाइस जितना प्यार देते थे उससे थोड़ा ज्यादा ही दे देना, उतना कम पड़ रहा है थोड़ा सा। ज्यादा प्यार की जरूरत है हमको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।